मऊरानीपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, जिसकी अध्यक्षता उप जिला अधिकारी मऊरानीपुर के द्वारा की गई। तो वहीं समाधान दिवस में पुलिस क्षेत्र अधिकारी मऊरानीपुर सहित समस्त विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में कुल 25 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से मौके पर ही किसी भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी नहीं हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में खाद की समस्या से जूझ रहे किसानों के द्वारा तहसील समाधान दिवस में पहुंचकर अधिकारियों को समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि तहसील दिवस की उपयोगिता लोगों में लगातार कम होती जा रही है। जहां पहले सैकड़ों की संख्या में लोग तहसील दिवस में अपनी फरियाद लेकर पहुंचते थे, तो वहीं कुछ गिने चुने लोग ही तहसील दिवस में पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाते हैं। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। के लिए मजबूर हो जाएगा। डीएपी खाद के लिए कब से परेशान चल रहा है? डीएपी खाद से कम एक माह से किसान परेशान है। जबकि डीएपी तो आ ही नहीं रहा है, यूरिया आ रहा है, उस पर भी इतनी भीड़ भाड़ मची हुई है कि किसान लाइन लगा के और देखे दिन रोकना पड़ रहा है। पूरे दिन में लाइन से खाद ले पाता है किसान। और कुछ जानकारी लग रही है कि डीएपी खाद क्या मध्य प्रदेश जा रहा क्या? भाई ये लगता है एक बात है, इससे ब्लैक हो रही है ना, तो फिर कहाँ जाती इतनी आती है, वहाँ से पता चलता है कि डीएपी भेज दी गई है, लेकिन यहाँ मतलब आनी गई है किसानों के पास उपलब्ध नहीं हुई, या तो उसकी कालाबाजारी हुई है, कुछ ना कुछ समस्या है इसकी कुछ ना कुछ। अगर खाद नहीं मिलेगा फिर क्या करोगे आप? खाद नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, किसान क्या करेंगे, उनकी खेती का समय चल रहा है, बुवाई का समय चल रहा है, और जबकि बुवाई समय से नहीं हो पाई किसान बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ ना कुछ या धरना देंगे या कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे जो